नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में सुर्खियों में रहे नितिन गुप्ता के बारे में। जानेंगे नितिन गुप्ता कौन है और साथ ही साथ ये सुर्खियों में क्यों है। इसके अलावा इनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेंगे। तो ऐसे में वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। तो अभी हाल ही में जो IRS अधिकारी हैं नितिन गुप्ता, इन्हें अभी हाल ही में CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नए अध्यक्ष या फिर यूं कहो चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। जो नितिन गुप्ता हैं ये 1986 बैच के IRS अधिकारी हैं। इससे पहले नितिन गुप्ता कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ नितिन गुप्ता इससे पहले CBDT के इन्वेस्टिगेशन सेल के मेंबर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ पता हो कि 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले JB महापात्रा, जो कि इससे पहले CBDT के अध्यक्ष थे, इनके सेवानिवृत्ति होने के बाद मई के महीने में 1986 बैच की IRS अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसके साथ ही साथ जो जानते हैं CBDT क्या है। CBDT यानी भारत के अंतर्गत टैक्स से रिलेटेड जो भी कार्य होता है CBDT के द्वारा किया जाता है। CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जो कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसके साथ ही साथ यह एक स्टैचुटरी बॉडी है। स्टैचुटरी बॉडी की हम जब भी बात करते हैं, मतलब इसे संविधान के तहत नहीं बनाया गया बल्कि इसे संसद के अंतर्गत किसी अधिनियम के तहत तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ इसे वर्ष 1963 के केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन दो संस्थाओं का गठन किया गया था। और ये जो दो संस्था थे कौन कौन से थे, इसके अंतर्गत पहला था CBDT और दूसरा था CBEC। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और CBEC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। इसके साथ ही साथ जो CBDT है, असल में भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के संबंध में आवश्यक इनपुट्स देता है। CBDT आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार होता है। वहीं आयकर विभाग को दिशा निर्देश देने का काम भी CBDT करता है। इसके साथ ही साथ वर्ष 1924 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत केंद्रीय राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी। उस समय जो डायरेक्ट टैक्सेस थे और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसी मेकिंग होती थी या फिर इसके रिगार्डिंग जो भी प्रबंधन का कार्य होता था, वह सभी एक ही संस्था यानी कि केंद्रीय राजस्व बोर्ड के द्वारा ही किया जाता था। हालांकि बाद में इस बोर्ड के अंतर्गत कई सारी ऐसी कमियां उजागर हुई, जिसके बाद दो अलग अलग संस्थाओं का गठन किया गया, जिसे आज हम लोग CBDT और CBEC के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ जो CBDT है, इसके अंतर्गत चेयरमैन सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, यानी एक चेयरमैन और बाकी के 6 सदस्य होते हैं, और इसकी अगुवाई चेयरमैन के द्वारा की जाती है। और अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो वैसे में बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में एक घंटी का आइकन है, जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।